भगवान राम के दर्शन के लिए पैदल यात्रा पर निकले कुछ युवाओं का जत्था आज डींडवाना पहुंचा। बता दें कि बीकानेर और नागौर जिले के युवा भगवान राम के दर्शन के लिए पैदल निकले हैं। युवाओं का कहना है कि हमारे आराध्य भगवान श्री राम 22 जनवरी को अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, उनके दर्शन के लिए हम पैदल ही निकल पड़े हैं। इस पैदल यात्रा में हम 1150 किलोमीटर का लंबा सफर तय करेंगे। उन्होंने कहा कि 19 दिसंबर को हम अपने घरों से निकले हैं और जिसमें से 1150 किलोमीटर का सफर एक माह के अंदर करना है। 20 जनवरी को अयोध्या पहुँचेंगे, साथ ही भगवान श्री राम के 22 जनवरी को भव्य मंदिर में विराजमान होने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। यही था कि हमारे जो अन्ना राम मंदिर का उद्घाटन होगा 22 जनवरी का, तो वहाँ हमें पैदल पहुँचना है और हम 19 तारीख से रवाना हुए हैं और करनू से रवाना हुए हैं। जो अयोध्या तक पैदल यात्रा का हमारा जो टारगेट है वो 20 जनवरी तक पहुँचने का टारगेट है। प्रेरणा बस ऐसे ही मिले कि भगवान श्री राम का जो मंदिर का उद्घाटन होगा तो हम किसी अवसर पर हम पैदल जाना चाहते हैं। यही था कि